स्टार प्लस के फेमस शो गुम है किसी के प्यार में जनरेशन लीप आने के बाद काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। शो में एक तरफ जहां भवानी काकू जबरदस्ती सभी की शादी करवाने पर तुली है, तो वहीं गुम है किसी के प्यार में रिवा और ईशान की लव स्टोरी शुरू हो गई है। शो के अपकमिंग एपिसोड में ईशान और सभी की नोकझोंक को दिखाया जाएगा, लेकिन अब भाविका शर्मा और शक्ति अरोड़ा के शो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो गुम है किसी के प्यार में शो में बेहद दो एक्टर पारस मदान धानसु एंट्री लेने वाले हैं। टेलीचक्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार गुम है किसी के प्यार में शो में एक्टर पारस मदान एंट्री करने वाले हैं। शो में पारस सभी के अपोजिट नजर आएंगे। इस खबर के सामने आने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि पारस मदान शो में सभी के होने वाले पति का किरदार निभा सकते हैं। हालांकि अभी तक शो में पारस के रोल को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बता दें कि पारस मदान टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। पारस कई फेमस टीवी शोज बेहद दो, किस देश में है मेरा दिल, निशा और उसके कजन्स और कबूल है जैसे शोज में नजर आ चुके हैं। ऐसे में अब पारस भाविका शर्मा और शक्ति अरोड़ा स्टार गुम है किसी के प्यार में का हिस्सा भी बनने वाले हैं। फिलहाल इस न्यू एंट्री से आप कितने खुश हो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।